राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से रविवार को राजभवन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सौजन्य भेंट कर पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिवादन किया। राज्यपाल से भेंट के दौरान यूनिवर्सिटी के संशोधन बिल जिसमें राज्य मंत्रिमंडल द्वारा एक अतिरिक्त लाइन जोड़ी गई है पत्रकारों से डिमांड पर लाया गया। पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का बिल, जुआ सट्टा से जुड़ा बिल और आरक्षण संशोधन बिल के साथ ही राज्य के हित से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी विशेष रूप से शामिल रहे और सरकारी भर्तियां सब रुकी हुई है वो हमको शुरू करना है। तो मैंने आग्रह ये किया कि विधानसभा से पारित हो चुका है और चूंकि आप नए पद ग्रहण किए हैं तो आपके संज्ञान में लाना आग्रह किया कि इसमें त्वरित निर्णय हो ताकि हम प्रदेश के हित में काम हो सके। राजनीति अपनी जगह है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबका उद्देश्य जनता का हित है और इसके कारण से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए से तत्काल संज्ञान लेते हुए निर्णय लें। ये मैंने सर लेकिन बारे में ध्यान कर लेता हूँ फिर उसके बाद आए। सर तो एक बार तो जो पिछले राज्यपाल है उनके द्वारा अध्ययन किया जा चुका है, क्या वो फिर से कह रहे हैं क्या कि हम इस पे एक्सपर्ट कमेंट की बात है? लंबे समय से उड़ीसा में लाभ मिनिस्टर रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे, चाचा बार वो मंत्रिमंडल में रहे हैं, राज्यपाल पहले भी रहे, एक अनुभवी व्यक्ति हैं और राजनीतिक भी अनुभव है, प्रशासन के भी अनुभव है और इस डिपार्टमेंट के बारे में भी उनको काफ़ी जानकारी है। तो मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक फैसला लेंगे राज्यपाल जी। सर प्रधानमंत्री आवास के सभा घेराव भी कर रही है और कह रही है कि जो 8 लाख 33 हज़ार मकान बने उसमें से 8 लाख 33 हज़ार हमारे शासनकाल में केवल 8 हज़ार मकान बने। मैंने वो जो ट्वीट किया था रमन सिंह जी तो उसको भारत सरकार की जो वेबसाइट है उसमें मैंने दिखाया था कि 19-20 में कितने मकान बने। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। दूसरी बात ये है कि आज ये जो आवास है अब नए हितग्राही तैयार हो गया। नए हितग्राही तब पता चलेगा जब आप आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, जनगणना कराएंगे और यही बात मैं प्रधानमंत्री से मैंने पहले पत्र लिखा था और परसों उनसे मुलाकात करके भी मैं आया कि भाई उसे जनगणना करा दें ताकि हमारे जो नए जो लोग हैं हितग्राही है उसको हम चिन्हित कर सकें, उनको लाभान्वित कर सकें। न केवल आवास बल्कि बहुत सारी योजनाएँ हैं जिससे हम उससे लाभ से वंचित हैं, तो जनगणना बहुत जरूरी है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी मौन है और इसलिए मैंने कहा कि 1 अप्रैल से भारत सरकार जनगणना नहीं कराती, राज्य सरकार जनगणना कराएगी 1 अप्रैल से। जनगणना नहीं मतलब जो आवास के लिए सर्वे कराएगी और जो हितग्राही है उसे हम क्रमबद्ध उसको देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास घर या लिया उस बहाने का कुछ रहा नहीं।